2024 समर ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से होने जा रहा है। पेरिस में होने जा रहे इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट में 206 देशों के 10,714 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। भारत की बात करें तो देश के 117 एथलीट्स इस इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होंगे। ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम की एक गोल्डन हिस्ट्री रही है। ओलंपिक गेम्स में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर हॉकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का सफर कैसा रहा है और हॉकी में भारत के गोल्डन पीरियड की शुरुआत कब हुई थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत होने वाली है। इस बार भारत की तरफ से कुल 117 एथलीट्स ओलंपिक गेम्स का हिस्सा होंगे, लेकिन जिस एक खेल को लेकर भारत में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है हॉकी। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का एक सुनहरा इतिहास रहा है। ओलंपिक्स में खेलते हुए भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कुल 12 मेडल्स जीते हैं, इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं इंडियन हॉकी टीम के गोल्डन पीरियड में, जब भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कदम रखा था। 1928 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन एम्स्टर्डम में किया गया था और इसी ओलंपिक इवेंट के साथ भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार कदम रखा था। 1928 ओलंपिक के हॉकी इवेंट में कुल 9 टीमों ने भाग लिया था। भारत को बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया था। वहीं नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ग्रुप बी में थे। दोनों ग्रुप की टॉप टीम ने गोल्ड मेडल के लिए एक दूसरे का सामना किया, वहीं सेकंड पोजीशन पर रहने वाली टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले। भारत ने अपने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 6-0 से शानदार जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने बेल्जियम को 9-0 और डेनमार्क को 5-0 से मात दी। स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराने के साथ ही इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत नेदरलैंड से हुई, जिसमें भारत ने 3-0 से शानदार जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस मैच में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल दागे थे। 1932 में हुए लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम का जादू चला। हालांकि आर्थिक मंदी के चलते इस मुकाबले में सिर्फ 3 टीमों ने ही हिस्सा लिया था। इसमें भारत की टक्कर जापान और अमेरिका जैसी मजबूत टीमों के साथ थी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम का पहला मुकाबला जापान से हुआ, जिसे भारत ने 11-1 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में भारत की ओर से ध्यानचंद ने 4, रूप सिंह और गुरमीत सिंह ने 3-3 गोल दागे थे। इस इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत और अमेरिका के बीच शानदार मुकाबला हुआ। इसमें भारतीय हॉकी टीम ने अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराकर ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक के साथ ही इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक पूरी कर ली। इस ओलंपिक इवेंट में भारत ने अपने पहले मैच में हंगरी को 4-0 से शिकस्त दी। इसके बाद भारत ने अमेरिका को 7-0 और जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10-0 से हराकर जीत के सिलसिले को जारी रखा और टीम फाइनल्स में प्रवेश कर गई। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से हुआ। इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और इस तरह भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद के लिए ये उनका आखिरी ओलंपिक था और इस आखिरी ओलंपिक में उन्होंने कुल 13 गोल दागे थे। विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक्स का आयोजन 12 साल बाद हुआ था। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में हिस्सा लिया था। हालांकि 1947 में हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे के साथ ही भारतीय हॉकी टीम बिखर गई और टीम के कई खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए, जिसकी वजह से भारत को प्लेयर्स सिलेक्ट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार दिग्गज हॉकी प्लेयर रहे किशन लाल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रिया के साथ खेला। नई नवेली टीम होने के बावजूद भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रिया को 8-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की। इसके बाद भारत ने अर्जेंटीना को 9-1 और स्पेन को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने नेदरलैंड्स को 2-1 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। भारत का फाइनल मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के साथ था और भारत के लिए ये मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि इस मुकाबले के कुछ दिन बाद ही भारत आजादी की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा था। भारत ने फाइनल मुकाबले में
ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से शिकस्त दी और लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीत कर सबको चौंका दिया। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ मिली इस जीत ने पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल बना दिया था। साल 1952 में ओलंपिक्स का आयोजन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किया गया था। इस बार भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व केडी सिंह बाबू कर रहे थे। हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रिया को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में भारत का सामना एक बार फिर ग्रेट ब्रिटेन से हुआ। इस बार टीम काफी मजबूत लग रही थी और ग्रेट ब्रिटेन का डिफेंस भी काफी बेहतर था, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर एक बार फिर फाइनल में एंट्री कर ली। अब भारतीय टीम को फाइनल में नेदरलैंड्स का सामना करना था। भारत ने इस मुकाबले को 6-1 से जीतकर लगातार पांचवी बार स्वर्ण पदक जीत लिया। इस मैच में भारत की ओर से बलबीर सिंह सीनियर ने सबसे ज्यादा 5 गोल किए और ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा गोल करने का उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स की बात करें तो इस बार हॉकी इवेंट में कुल 12 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारत इस बार भी जीत के इरादे से मैदान में उतरा और उसने अफगानिस्तान से हुए पहले ही मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। इस मैच को भारत ने 14-0 के बड़े अंतर से जीता। इसके बाद भारतीय टीम ने अमेरिका को 16-0, सिंगापुर को 6-0 और यूनाइटेड टीम ऑफ जर्मनी को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस बार फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला था, क्योंकि इस बार फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होने वाली थी। पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था। ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ये मैच काफी रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय टीम की डिफेंस इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर लगातार छठी बार गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। 1960 में हुए रोम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत का सिलसिला थम गया। भारत ने अपने पहले मुकाबले में डेनमार्क को 10-0 से हराकर शानदार आगाज किया। इसके बाद के मुकाबलों में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेदरलैंड्स को 4-1, न्यूजीलैंड को 3-0 और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर गया। और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक शानदार मुकाबला हुआ, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में भारत पाकिस्तान के डिफेंस को तोड़ नहीं पाया और उसे 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह रोम ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो इस ओलंपिक गेम्स में भारत ने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान तो किया ही, साथ ही 1960 में पाकिस्तान से मिली हार का भी बदला लिया। भारत ने अपने पहले मैच में बेल्जियम को 2-0 से मात देकर बेहतरीन आगाज किया। इस जीत के बाद भारत ने यूनाइटेड टीम ऑफ जर्मनी और स्पेन से 1-1 के ड्रॉ खेले। इसके बाद भारतीय टीम ने हांगकांग को 6-0, मलेशिया को 3-1 और कनाडा को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पटखनी देते हुए 3-1 से जीत हासिल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी स्पेन को 3-0 से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का लक्ष्य पाकिस्तान से रोम ओलंपिक की हार का बदला लेना था। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन भारत ने इस मुकाबले को 1-0 से जीतकर रोम ओलंपिक के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया। पाकिस्तान को हराकर भारत ने ओलंपिक गेम्स में 7वां गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद भारत ने 1969 मैक्सिको ओलंपिक्स और 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हालांकि 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भारतीय टीम एक भी मेडल नहीं जीत पाई। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के हिस्से हॉकी में कोई ओलंपिक पदक नहीं आया था। इसके बाद 1980 में हुए मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने शानदार कमबैक किया। मॉस्को ओलंपिक्स के फाइनल में भारत का मुकाबला स्पेनिश टीम से हुआ। टीम इंडिया ने इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 4-3 से हराकर 8वीं बार स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।